कार होती अच्छी मेरे पास तो 3.5 आवर्स या फिर 4 आवर्स मैक्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा फ्लाइट से, भाई अपन फ्लाइट से जाएंगे। फाइनली आज का दिन, मतलब आज जिस दिन इतना शॉपिंग वॉपिंग किया, आज फाइनली निकलना है मुझे। फ्लाइट है मेरी 3:25 की, टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 9 AM, 15-18 मिनट्स का, आई डोंट नो। तो पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो अभी मुझे ऑलमोस्ट मैंने बैग वगैरह यहाँ पे पैकिंग हो गई है मेरी। स्टेपनी माला चेंज ना करता है, माता टायर पंक्चर है। मैंने सोचा कि अभी कर लेते हैं क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास, तो फटफट ये यूट्यूब वीडियो देख के किया है इसको पूरा। इसको भी अभी निकालना है। वो पीछे से टायर निकाल ब्रो, ये देखो ध्यान से देखिए इस किले को, इसकी वजह से इसको बाद में निकालेंगे। ये हम लेके जाएंगे मकसूद भाई, मकसूद नहीं साजिद भाई के पास। साजिद भाई को कॉल किया था तो साजिद भाई इवनिंग को आने वाले थे, मैं बोला कि अपन ही कर लेते। See you next time, जब भी आऊंगा तभी। बाय। वजन है? मुझे 20 kg असल ना, जास्ता ना। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए भी हम लोग जा रहे हैं 2 घंटा पहले। क्यों? लाइफ में कुछ नहीं है। तूने मास्क लिया? क्या? हाँ मास्क लिया। ये फुल वो कबीर सिंह लग रहा है क्या? वाड़ा वाड़ा वाँ वाँ वाड़ा वाड़ा नहीं है वो, जो भी है वड़ा वड़ा वाँ। बस कुछ बड़े बड़े पाव पाव बस। तो हम लोग अभी 2 घंटा पहले जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 1:15 हुआ। क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट में मैं अंदर जा सकती हूँ। मैंने शर्ट चेंज किया क्योंकि मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये व्हाइट वाला पहना, ये अच्छा लग रहा है। और वो शर्ट भी रख दिया बैग में। तो अभी कितना है ऊपर? 6 मिनट्स। तो अभी यहाँ से जो हम लोग एयरपोर्ट है अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में ही हम लोग पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। और फ्लाइट जो है वो है 3:25, सो बहुत ज़्यादा टाइम है, उधर जाके टाइम पास ही करने वाले हैं जो भी है वो। ब्रिस्बेन में ना तुम सिक्योरिटी पॉइंट तक जा सकते हो अगर तुम ड्रॉप करने आए तो। अपने इंडिया में कैसा होता है कि अंदर नहीं जाने देते ना, अपने को मुंबई में नहीं दिया था ना, डोमेस्टिक में भी सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अंदर जा सकते हैं पूरा। तो यहाँ पे वापस फॉर मेक श्योर करना चाहिए 20 21 21। बैक का भी कर रहे हैं। यहाँ पे कितना लिखा? 23 लिखा ना यार, ये शेक ही हो रहा है पूरा। क्यों? क्या बता? Are you nervous? I am not nervous. अच्छा ओके ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया देखने वाला हूँ फ्लाइट से डे टाइम पे, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तब रात थी तो कुछ दिखा नहीं थी बेटा। अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे में लैंड हुआ था तो कुछ दिखा नहीं था, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ तो एक्चुअल में ऊपर से व्यू देखने मिलेगा, और बहुत लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल जब आप फ्लाइट से देखते हो। तो वो तो वीडियो में मैं शूट करूंगा ही आगे, क्योंकि भाई ने, भाई को मिली है विंडो सीट, नहीं भाई ने लिए विंडो सीट, बादल इम्पोर्टेंट है। कैसा लग रहा है? कैसा ये पीछे से चिल्ला रहा है यार, कैसा लग रहा है? इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं अंदर से, क्योंकि एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। तो बैंग ऑन हिमांचा ने मेरा इंटरव्यू, अब हिमांचा का लेते हैं। कसं वाटतं आहे तुला? मी चाललो आहे फर्स्ट टाइम। इनको नर्वस कुछ है ही नहीं, ये खाली बोल रही थी फोन में लगे पड़े, कुछ पड़ी ही नहीं। बोल गया कि मैं जा रहा हूँ ब्रिस्बेन से हावी बे, जो यहाँ से कितना 350 360 किलोमीटर्स। तो नहीं 400 किलोमीटर्स। तो फ्लाइट से 1 घंटा लगता है, ट्रेन से 6 आवर्स लगता है, बस से 7.5 आवर्स, मतलब 8 आवर्स लगता है। और बाय रोड अगर कार होती अच्छी मेरे पास तो 3.5 आवर्स या फिर 4 आवर्स मैक्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा फ्लाइट से, भाई अपन फ्लाइट से जाएंगे। निकल जाएगी Have you ever wondered if you want to use a flight life jacket?
There is a mouthpiece for further inflation, a whistle to attract attention, and a light which comes on when the battery comes in contact with water. और फाइनली हम पहुंच भी गए, तो ये है हावी बे एयरपोर्ट। और यहाँ पे बैग मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, वो मेरा बैग है। और भाई कितना छोटा एयरपोर्ट है ये, तो बहुत छोटा छोटा एयरपोर्ट है। बहुत ज़्यादा धूप है और जो ऊपर से व्यू था बहुत सुंदर है यार। मतलब जब आप ऑस्ट्रेलिया आओगे ना, आपको ये सुंदर व्यू मिलेगा अगर आप डे टाइम पर पहुँच रहे हो। तो रात को तो कुछ नहीं दिखने वाला। यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ ये है कि मुझे कंपनी ने कार भी दी है, तो अभी कार वहाँ से पिकअप करना है। अभी फाइनली पेपर वर्क वगैरह हो गया सब कुछ ये, और इन केस ऑफ एक्सीडेंट मुझे $4,000 तक पे करना पड़ सकता है। तो हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। कार मिली है वो है ये MG की छोटी मस्त कॉम्पैक्ट कार, और अनलिमिटेड किलोमीटर्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं कहाँ पे भी लेके घूम सकता हूँ ये कार। और जब तक मैं हूँ यहाँ पे, प्रॉब्ली 25 दिसंबर तक, तो मुझे ये कार असाइन की गई है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बिग थम्स अप टू द कंपनी विच आई एम वर्किंग विद। और एक बार वीडियो भी निकाल लेता हूँ, फॉर सेफर साइड कुछ डेंट वगैरह नहीं है या फिर चेक करने के लिए। नहीं, कॉम्पैक्ट है, बहुत कॉम्पैक्ट है, तो मज़ा आएगा चलाने। तो पहले बैग को पीछे रख देते। तो कार अंदर से कुछ ऐसी दिख रही है, बहुत ही अच्छी मस्त छोटी स्पेशियस है। और यहाँ पे ये वॉल्यूम वगैरह एप्पल कार प्ले भी है, गुड यार। और ये अपना ये है जो इस पर लगेगा, हाँ लगेगा इस पर, हाँ ये हो जाएगा इधर, तो कोई टेंशन नहीं होगा मुझे अगर मैप वगैरह देखना है तो। बट कार अंदर से बहुत मस्त है यार, एक सिंपल सोबर अच्छी है, कॉम्पैक्ट है। कार में क्या फीचर वगैरह वो तो हम सब कुछ बाद में बात करेंगे। अभी मुझे यहाँ से जाना है होटल, तो मैं जहाँ पे रहने वाला हूँ वो यहाँ से कितना है, प्रॉब्ली 10 किलोमीटर है, तो वहाँ पे रहूँगा मैं। होटल पहुँच चुका हूँ, तो अभी पहले चेक इन वगैरह करना पड़ेगा, पहले बैग वगैरह ले लेता हूँ, और फिर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा वो भी करना पड़ेगा। तो आप लोगों से मिलता हूँ सीधा रूम में, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बैग रखी है, तो आपको एक क्विक रूम टूर है, लिविंग एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा किचन भी है, क्योंकि मुझे खाना वगैरह, ये क्या आवाज़ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा यार किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है, आई डोंट नो किस चीज़ का तो आवाज़ आ रहा है, पता नहीं, इग्नोर करो। तो ये छोटा सा किचन है, एंड यहाँ से व्यू कुछ भी बोलो सुपर्ब है, एंड मज़ा आ गया। मतलब अकेले को मुझे यहाँ पे रहना है टिल 24th या 25th, तो गुड, सुपर्ब नाइस। मैं फ्रेश होता हूँ और फिर आपको ऋषि भाई से भी मिलाता हूँ कि कौन है ऋषि भाई यहाँ पे। मैं बुलवत है और यहाँ से बेसिक चीज़ें ले रहा हूँ, क्योंकि घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ लेना पड़ेगा, मिल्क और। तो अभी तक मैंने ये क्रोसॉन लिया है और ये कुकीज़ लिए, और यहाँ पे फ्रूट्स कहाँ पे, मिक्स फ्रूट्स ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो ये वे प्रोटीन मैंने ले कर रखा है, ये काम आएगा कभी मॉर्निंग में पी के जाना होगा तो। ऑल गुड, तो ये एक वीक की ग्रॉसरी यहाँ पे डन है। अगर बाकी की कुछ चीज़ें चाहिए तो मैं बाद में ले लूँगा। तो अभी चलते घर पे और थोड़ा घर सेट करना है। और बाकी जो ऋषि भाई है वो वहाँ पे, तो उनको कल मिलाता हूँ मैं, आज थोड़ा हम लोग घाई में, क्योंकि कल से जॉब स्टार्ट होना है। अभी ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, ठीक है। मतलब आई एम फुल्ली एग्जॉस्टेड हो गया अभी, क्योंकि कल से अभी मेरा ज्वाइनिंग है यहाँ पे। डिनर का टाइम है तो मैंने बाहर से मंगाया, ऋषि भाई है वो यही होटल में रहते हैं ऊपर, तो वहाँ उन्होंने डिनर मंगा, तो अभी वहाँ पे करते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग में बताता हूँ कि क्या क्या मैंने कैसे रूम सेट वगैरह किया, वो सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में। और ऋषि भाई से भी मिलेंगे कौन है। सो दैट्स इट, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ये व्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को शेयर भी कर सकते हो आप लोग के फ्रेंड्स लोग के साथ। थोड़ा उस लाइफ स्टाइल बता दो जो भी मैं दिखा रहा हूँ अपने वीडियो से। सो दैट्स इट, बाय बाय।